बड़े विकास कार्य भी हुए हैं और आगे की कोई प्लानिंग बड़ी? अभी नहीं बताऊंगी क्योंकि प्लानिंग तो चलती रहती है, समय के साथ बदलती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं झुंझुनू समाचार। आज हम अलसीसर में पहुंचे हैं। आप हुजूम देख सकते हैं, लोगों का बड़ी संख्या में लोग यहां मौजूद हैं। मुख्य कार्यक्रम जो है बाबा साहब की जयंती यहां मनाई जा रही है और जयंती के अवसर पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भवन का लोकार्पण क्षेत्र की विधायक लोकप्रिय विधायक रीटा चौधरी के माध्यम से किया जा रहा है। कार्यक्रम में अलसीसर प्रधान घासीराम जी पूनिया हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं इस कार्यक्रम की रूपरेखा। सर, ये बाबा साहेब अम्बेडकर की 131वीं जयंती है। हमारे ब्लॉक में बाबा साहेब अम्बेडकर के लिए गेस्ट हाउस का आज पाया भर रहे हैं। उसमें हमारी लोकप्रिय विधायक बहन रीटा जी का सारा योगदान है उन्होंने। फिर इसके लिए बजट की बात आई तो बजट हमारे विधायक जी ने 25 लाख रुपए अपने कोटे से, बाकी हम पंचायत समिति के कोटे से देंगे। बजट में कोई कमी नहीं आएगी, बहुत शानदार भवन बनाएंगे और अगली जयंती पे इसका उद्घाटन करेंगे। यानी ये सरकार का आदेश था कि इसको पंचायत समिति में बनाएं, लेकिन वहाँ पे वो हमने कहा एक कोने के अंदर जगह कम है, इसलिए विधायक जी ने मेन रोड पे ये 2000 मीटर जगह अलॉट कराई सरकार से, एडीएम साहब सुख के। तो ये लोकेशन के हिसाब से बहुत प्यारी जगह है। सामने महिला कॉलेज होगी, इधर भी वो 4,42,00,000 रुपए कस्तूरबा गांधी विद्यालय के पास हो गए हैं, वो भी जल्दी चालू हो जाएगा, कॉलेज भी जल्दी चालू हो जाएगी। और अगले 132वीं बाबा साहेब जयंती पे इसका उद्घाटन करेगी हमारी विधायक रीटा चौधरी। हमारी विधायक, यानी मैं आपको कहूँगा कि हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का विधानसभा सरदारपुरा में इतने विकास कार्य नहीं हुए जितने मंडा में। आप देखिए अलसीसर में, अलसीसर अकेले में थाना पास करवाना, महिला कॉलेज, अम्बेडकर गेस्ट हाउस और ये आपके कस्तूरबा गांधी स्कूल, इधर ये पशु का बहुत बड़ा चिकित्सालय है जो पूरे राजस्थान मेडिकल का 4th नंबर पे है। थोड़े दिनों में अलसीसर मलसीसर एक ही हो जाएगा और हमारी विधायक का एक ही संकल्प है कि मेरी विधानसभा ज़्यादा से ज़्यादा विकास के कार्य हों। और ये आप देख रहे हो उसी की देन है कि आज ये इतनी बड़ी रैली, एक छोटे से कार्यक्रम टाइम मिला था तो आपके सामने है। आज इसका शिलान्यास होगा और 132 जयंती पे इसका भव्य उद्घाटन होगा। जैसा कि प्रधान जी ने बताया कि विकास कार्यों की लहर मंडावा विधानसभा क्षेत्र में रीटा चौधरी के माध्यम से लाई गई है और जगह जगह क्षेत्र में गांव और ढाणियों में विधायक रीटा चौधरी का नागरिक अभिनंदन की भी एक बाढ़ सी आ गई है। लोग हर जगह उनका स्वागत कर रहे हैं और स्वागत का कारण है कि विकास कार्य रीटा चौधरी के द्वारा मुख्यमंत्री, जैसा कि प्रधान जी ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की विधानसभा क्षेत्र में जितने कार्य स्वीकृत नहीं हुए, जितने मंडावा विधानसभा क्षेत्र में कार्य स्वीकृत हुए हैं और लोगों को विकास कार्यों की जो सौगात है वो रीटा चौधरी के माध्यम से दी जा रही है। आज बाबा साहब अम्बेडकर साहब की जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पर एक सभा का आयोजन भी हुआ और उसके साथ ही अम्बेडकर भवन का शिलान्यास का भी कार्यक्रम था। ये पंचायत राज की ये योजना है जिसके अंदर प्रत्येक पंचायत समिति के अंदर अम्बेडकर भवन बनना है, लेकिन ये लंबे चल रहा था क्योंकि इसके अंदर थोड़ा संसाधनों का अभाव था। मैंने अपने विधायक कोटे से इसके अंदर पैसा दिया भवन निर्माण के लिए और बहुत यहाँ पे ज़मीन अलॉट हुई है एकदम इसमें अलसीसर के अंदर, तो बहुत जल्दी इसका भवन बन के तैयार हो जाएगा जिससे बहुत सारी सुविधाएँ लोगों को मिलेगी। क्षेत्र में मैम जगह जगह आपका स्वागत अभिनंदन हो रहा है, विकास की भी बाढ़ आ गई है, तो आप क्या महसूस कर रहे हैं? मैं सबसे पहले तो हमारे मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूँगी कि जो हम लोगों ने हमारी जो जनता की मांग थी मंडावा विधानसभा की उनको उन तक पहुँचाया और उन्होंने सभी को स्वीकार करा। और बहुत अच्छा लगता है जब गांव में हम लोग जाते हैं, काम करा हुआ होता है, लोगों में उत्साह और खुशी देखने को मिलती है, तो हमारा तो वैसे ही मन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि नहीं, लोगों की जो समस्याएँ थी, जो उनकी मांग थी, उस पर काम हो रहा है।
क्षेत्र में बड़े विकास कार्य भी हुए हैं और आगे की कोई प्लानिंग कोई बड़ी? अभी नहीं बताऊंगी क्योंकि प्लानिंग तो चलती रहती है, समय के साथ बदलती है, लेकिन मेरा यही है कि मंडावा विधानसभा क्षेत्र है वो आगे बढ़े, उसमें बहुत सारी बड़े जो काम हैं जो यहाँ की मांग रही है, क्योंकि बहुत पिछड़ा रहा है, ये खारे पानी का इलाका है, तो इसके अंदर जितनी भी सुविधाएं हम लोग दे सकते हैं उसकी मेरी कोशिश है।